गुरु एक शख्स को वास फरमाते हुए इरशाद किया, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत समझ लो। पहली चीज, शबाबा का कबल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से कबल गनीमत समझ लो। आज जवानी है, आजा में जोर है, आज इबादत रियाजत करना चाहो, किसी दुखी की मदद करना चाहो, किसी के काम आना चाहो, रोजे रखना चाहो, नवाफल की अदायगी करो, जो भी अमले खैर करना चाहो तुम्हारे कवा तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन बुढ़ापे में चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। गई जवानी आया बुढ़ापा, ते जाग पईयां सब पीड़ा, हुण खाया कुछ कम ना आवन, सौंफ जवैन हरीड़ा। मियां साहब फरमाते अब कोई काम नहीं आता, अब आजा ही लटक गए, मुदमहिल हो गए आजा। तो आज मौका है, जवानी के लम्हात हैं, इन जवानी को राह खुदा पे डाल दो। और जवानी में तौबा अल्लाह को बड़ी महबूब है। एक रिवायत में आता, जब जवान तौबा करता है खुशी से अल्लाह का अर्श झूम उठता है, अर्श इलाही झूम उठता है जवान की तौबा से। फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूं, और फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। कितनी बड़ी बात है। तो जवानी याद इलाही में गुजरे, जिक्र इलाही में गुजरे। तो फरमाया जवानी को बुढ़ापे से कबल गनीमत समझ लो। फिर फरमाया सेहत का कबल सुकमिक, अपनी सेहत को बीमारी से कबल गनीमत समझ लो। सेहत के लम्हात मुयस्सर हैं, बीमारी आते देर नहीं लगती। तो सेहत को गनीमत समझते हुए भरपूर फायदा हासिल करो, और कोशिश करो, मेहनत करो राह खुदा में आगे बढ़ने की। वगिना का कबल फकर, तीसरी बात इरशाद फरमाई, अपने गिना के दौर को, मालो दौलत की फरावानी के जमाने को गनीमत समझो, फकर से कबल। कहते हैं गुर्बत आते हुए देर नहीं लगती, ऊपर जाते हुए वक्त लगता है, ऊपर से नीचे आते हुए वक्त नहीं लगता। तो फरमाया कि दौलत तुम्हें मुयस्सर है तो उस दौलत को काम में लाओ, दौलत को संभाल संभाल के ना रखो, यही रह जाएगी। एक कफन ऐसा लिबास है जिसको कोई जेब नहीं है, यहां से कुछ किसी ने लेकर नहीं जाना और ना आज तक कोई लेके गया है। सिकंदर ज़ुल्करनैन, जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, मरते हुए वसीयत की कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखे जाएं ताकि लोगों को पता चले खाली हाथ जा रहा हूं। सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो असल वो है जो हम साथ लेके जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल। फरमाया उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या उसने आगे भेज दिया। फरमाया बाकी उसका नहीं है, ये उसके वारिसों का है, वो कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बांट लेंगे। तो फरमाया गिना के जमाने को गनीमत समझो, फकर से कबल। चौथी बात इरशाद फरमाई, फरागत के लम्हों को मसरूफियत के वक्त से कबल कबल गनीमत समझो। आज फरागत है, बहुत कुछ कर सकते हो, गुजरते लम्हात के साथ साथ कंधों पर जिम्मेदारियों के बोझ भरते चले जाएंगे, फिर करना भी चाहोगे फुर्सत नहीं मिलेगी। तो फुर्सत की घड़ियों को गनीमत जानो। पांचवी चीज इरशाद फरमाई, वह हयात का कबल मौत, और अपनी जिंदगी को मौत से कबल गनीमत समझो। आज जिंदगी है, चलो बीमारी सही, आजा मुदमहिल सही, फरागत नामुयस्सर सही, दौलत नहीं सही, कोई बात नहीं है, उसके हुजूर आंसू तो बह सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी तो मांगी जा सकती है। जिस तरह भी बैठ करके लेट करके उसके हुजूर इबादत का रंग तो इख्तियार किया जा सकता है, वुजू नहीं हो पाता, आजाद साथ नहीं देते, तयम्मुम तो हो सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा ये सहूलत भी छिन जाएगी, ये फुर्सत भी बाकी नहीं रहेगी। बंदा हशर के दिन जब फंसेगा तो फिर कहेगा मालिक एक मोहलत दे दे, दोबारा दुनिया पे जाऊं, सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। तो हुक्म होगा नहीं, वो वक्त बीत गया, तुझे फुर्सत मिली, वक्त मिला, जवानी मिली, डूबते सूरज ने तुम्हें रोज पैगाम दिया, उठते जनाजों ने तुम्हें रोज पैगाम दिया, लेकिन तुमने इबरत हासिल नहीं की। अब तुम्हारे लिए पलट के जाना नहीं है, अब तुम यही रहना होगा और अपने गुनाहों की सजा गवारा कर